हमारे टाइम पे ना मोबाइल नहीं था जब मैं MBBS में थी, मतलब मेरे फाइनल ईयर में जाके आया था, और वो भी बहुत अमीर बच्चों पे रहता था, हम लोग पे नहीं था। तो शुरू में तो मोबाइल था ही नहीं, तो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। तो जब एग्जाम टाइम होता था ना, तो 12, 12:30, 1 बजे फोन की घंटी बजती थी ये चेक करने के लिए, जैसे आप उठाओगे, ऑब्वियसली घर वाले भी सो रहे हैं तो उठाओगे एकदम से पिकअप करोगे, तो ये चेक करने के लिए कि पढ़ रहे हैं कि नहीं, मतलब फोन उठाओगे ना आप, तो फिर कुछ नहीं, बाद में तो फोन अच्छा नीचे भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि उस जमाने में और कोई तरीका ही नहीं था, किसी को कोई कॉल करना है कुछ है तो फोन तो ऊपर ही रखोगे, कब तक नीचे रखोगे। तो जैसे फोन की घंटी बजी, कौन की, अरे यार उसने एक घंटी में बोलते नहीं थे ब्लैंक कॉल, अरे यार वो आशिमा को कॉल किया था, अभी तो चलो लुधियाना में बहुत बड़ी डॉक्टर है, बोले आशिमा को कॉल किया था, अरे एक घंटे में उठा लिया, बोलो यार बहुत पढ़ रही है वो, चलो 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 अपन भी पढ़ो। खूब ब्लैंक कॉल्स आते थे ऐसे रात को पढ़ते थे, स्पेशली एग्जाम के टाइम पर, एक घंटी, दो घंटी, तीन घंटी, फिर क्या, धीरे धीरे सबने अपने अपने तोड़ सोचे कि उसको कैसे करना है।